हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक्स मेरे यानी दीक्षा सवाल के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं आज के हमारे सेगमेंट में क्या है खास। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अपने रिलेशनशिप को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ टाइम से दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में ओपनली बात भी कर रहे हैं। हाल ही में टाइम्स नाउ से बात करते हुए मलाइका ने अपने और अर्जुन कपूर की शादी की अफवाहों पर कमेंट करते हुए कहा कि मीडिया में चल रही हमारी शादी की बातें सिर्फ अफवाहें हैं, हम दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, हम दोनों जैसे भी हैं बहुत खुश हैं। आगे मलाइका ने बताया कि मीडिया में हम दोनों की शादी को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर चलती रहती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इस बात को बिल्कुल भी हवा ना दे। मीडिया को लोगों को अफवाहों से दूर रखना चाहिए। अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी आने वाली फिल्म मिशन मंगल से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद ही लोगों के बीच फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। हाल ही में फिल्म का बंगाली भाषा में भी ट्रेलर रिलीज किया गया और इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा, टीम मिशन मंगल इन मजबूत महिलाओं की ताकत, साहस, छवि और जज्बे को सलाम करती है जो ये विश्वास करती है कि आकाश का अंत नहीं है। बता दें कि मिशन मंगल में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या नेनन और कीर्ति कुल्हारी भी लीड रोल में नजर आएंगे। सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह स्टारर फिल्म खानदानी सफरनामा रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में उतनी सफल नहीं रही, पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन करेगी। इस फिल्म ने पहले दिन केवल 75 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और दूसरे दिन फिल्म ने 80 लाख का कलेक्शन किया। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 4 दिन बाद कुल 2,70,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह के अलावा वरुण शर्मा भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही सलमान खान के ऑपोजिट फिल्म दबंग 3 में नजर आएंगी। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर जताई खुशी तो कुछ ने की शांति के लिए दुआ। परेश रावल ने ट्वीट किया कि आज वास्तव में मातृभूमि को आजादी मिली है, आज भारत असल में एक शब्द पूरा हो पाया है। वहीं कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है, अगर इस असंभव काम को कोई कर सकता था तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं। एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली को चीन में द जैकी चैन इंटरनेशनल फिल्म वीक में 2 अवार्ड्स मिले। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफर और सर्वश्रेष्ठ एक्शन पारिवारिक फिल्म के लिए स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस मौके पर विद्युत ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, जब भी हम इंडिया में कोई एक्शन सीन करते हैं और किसी और को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ओ जैकी चैन इसे पहले ही कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमें महान ज्यूरी द्वारा ये अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म जंगली एक हाथी और एक आदमी के बीच अनोखे रिश्ते की कहानी है। तो चलिए ये थी हमारी आज की बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरें। जल्द हाजिर होंगे हम आपके लिए बॉलीवुड की दुनिया से बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।